नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों धनु राशि वालों, 28 जनवरी के शाम 3:22 के बाद आपके दुश्मनों के साथ जो घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों, इसे देखकर आप सभी का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी दोस्तों, अब आपके दुश्मनों के बुरे कर्मों का बुरा नतीजा उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब जैसा कर्म किया था दोस्तों, अब उनको न्याय के देवता भगवान शनिदेव अगले 24 घंटे के अंदर वैसा ही फल देने वाले हैं। जी दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का वह हाल होने वाला है कि दोस्तों आपके दुश्मन कभी भी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी दोस्तों, और इसी के साथ आप लोगों को भगवान शनिदेव अगले 24 घंटे के अंदर दो बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। दोस्तों यह खुशखबरी आपके लिए इतना खास और इतना महत्वपूर्ण खुशखबरी होगी कि दोस्तों इससे आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएंगी। जी दोस्तों, तो आज की संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर के आधार पर ही निर्मित किया गया है, तो आपसे बस इतना से निवेदन करता हूँ कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हम आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आने की 28 जनवरी की शाम 3:22 के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, कौन कौन से बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, तो साथ ही आपके दुश्मनों के साथ कौन सी बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं, तो आप लोगों को ऐसे में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और कौन सी गलतियों को करने से ऐसे में आपको बचकर भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। और साथ ही बात करेंगे इस दिन आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, कार्य धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे और घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप सभी जातकों को पूरी सटीक और पूरी सच बताऊँगा, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को हम एक छोटा सा उपाय भी बताएंगे। दोस्तों अगर आप उस उपाय को अगले 24 घंटे के अंदर कर लेगा, यानी कि शनिवार के दिन कर लेंगे, तो मैं किन के साथ कहता हूँ कि आप जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं दोस्तों, उन सारे मुसीबतों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी और भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान शनिदेव के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी का भी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सलाह जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन की पंचांग। दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन है और दोस्तों शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 8:43 के उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ओ दोस्तों भरनी नामक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर शुभ युग की बात करें दोस्तों, शादयुग सुबह 11:54 के उपरांत शुभ युग प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद या शुभ समय की बात करें दोस्तों, सुबह 9:56 से लेकर के सुबह 11:17 तक रहेंगे। दोस्तों ऐसे में अंतराल में आप लोग अपने जीवन कार्य को भी शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में कोई संकट या समय आ सकते हैं। और दोस्तों अगर अबुझ मन समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद शुभ समय की बात करें दोस्तों, सुबह 8:34 से लेकर के सुबह 9:56 तक रहेंगे। दोस्तों ऐसे में अंतराल में आप लोग अपने जीवन कार्य में कोई शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों सूर्य मकर राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं दोस्तों, आपको हम सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे पूरी सटीक और पूरी सच, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों समस्त ग्रहों के चाल से और भगवान शनिदेव की कृपा से आने वाले दिन आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लक्की दिन रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन आपकी ज़िंदगी में वो होने वाला है दोस्तों, दिन के बारे में आपने कभी भी शायद सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपको जो लोग काफ़ी लंबे समय से आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे, आपको काफ़ी तंग कर रहे थे, आपको हमेशा किसी न किसी मुसीबत में डालने का प्रयास करते आ रहे थे, या फिर आपके जो दुश्मन तत्व बने हुए हैं दोस्तों, अब उन लोगों के साथ अगले 24 घंटे के अंदर जो होने वाला है दोस्तों, उनके बारे में आपने कभी भी शायद सपने में नहीं सोचे होंगे। अब आपके दुश्मनों के
बुरे कर्म का बुरा नतीजा उन्हें मिलने वाला है। तो अब भगवान न्याय के देवता संग उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर देने वाले हैं। दोस्तों अब आपके दुश्मनों के साथ जो होने वाला है, दोस्तों शायद आपके दुश्मनों ने भी कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा अपनी मनमानी कर लिया था, अब उनका मनमानी समाप्त होने वाली है। दोस्तों अब आप लोग अपनी आँखों के सामने अगले 24 घंटे के अंदर अपने दुश्मनों का मौत देखोगे। जी दोस्तों, और इसी के साथ आप लोगों को में कुछ ऐसे बड़ी कार्य के क्षेत्र में आप लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों जिन्हें सुनकर आपका दिमाग बिल्कुल ही हिल जाएंगे, और कारोबारी नौकरी पेशा और व्यापारियों को आज अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी अचानक से होंगी। आज तरक्की के उत्तम अवसर उन्हें आज मिलेंगे, और कार्य के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा मौका भी होगा। आज आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे मौके आपके सामने आएंगे। अगर आप इस मौके का भरपूर फायदा उठा लेंगे तो आप ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। दोस्तों जिन मुकाम को आप हासिल करने का हमेशा प्रयास और कोशिश करते रहते हैं, और साथ ही आज आपकी व्यवसाय योजनाओं को अपने अधिकारियों से स्वीकृति मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में ऐसे बातचीत द्वारा स्थितियों को अपने हक में करने की कोशिश भी आप लोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर भी होगा। और दोस्तों अगर आपने पिछले सभी अंतराल में किसी भी क्षेत्र में कठिन से कठिन परिश्रम किए थे, कठिन से कठिन आपने मेहनत किए थे, दोस्तों अब उन क्षेत्रों से आप लोगों को उस मेहनत का फल अचानक से ऐसे मिलने वाले हैं। दोस्तों जिन्हें देखने के बाद और सुनने के बाद आपका मन काफ़ी खुश भी इसमें दिखाई देंगे, और आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में आलोचनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आज आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा, और आज ऐसी कई सारे चीज़ें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आपको काफ़ी आवश्यकताएँ इसमें होंगी। और आज सहयोगियों नाराज भी आपसे हो सकते हैं। आज स्वास्थ्य के विषय में आपके ध्यान रखें नहीं तो इसमें आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा ख़राब हो सकता है। आज आपको बाहर के तले भुने खाना खाने से बचना होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य इसमें थोड़ा बिगड़ सकता है। और अगर आपने किसी क्षेत्र में किसी भी निवेश किए हुए थे तो दोस्तों उन क्षेत्रों से अब आप लोगों को इसमें अचानक से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वो दोस्तों निवेश करने के लिए आज का दिन भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों अगर आज आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार है, और भाग्य भी आज आपके साथ है जिनकी मदद से आपको उस क्षेत्र में ऐसे निवेश करने से बिल्कुल भी ना हिचकें, और उसमें आप इसमें बेहिचक निवेश करें, क्योंकि आपके आने वाले समय में उस क्षेत्र से इसमें 10 गुना लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और आज आपको अपने बिजनेस में अच्छा फायदा भी मिल सकता है, कुछ अलग करने की आदत आपको असफल भी बनाएगी, और आपके दुश्मन आज आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। इसमें आपको अपने दुश्मनों से और अपने विरोधियों से ज़रा 10 कदम दूरी ही बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और आज जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, आज आजीविका के कारण यात्रा होंगी, और कामकाज में तेजी भी आपकी आ सकती है। आज धार्मिक काम में मन भी आपका अच्छा खासा लगेंगे, और बात दार्शनिक विचारों में आज प्रभावी होंगे। शांत व सज रखने से लोग आपसे प्रभावी आज काफ़ी अच्छा होंगे। और आज पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो आपके दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आज घर में आपका समय अच्छा रहेंगे, और पार्टनर से मिले कोई भी तोहफा आज आपको खुश भी कर देगा। आज माता पिता के लिए उनके नैतिक समर्थन के साथ भी आप लोग रहेंगे, और आज आपको पुराने मित्रों का सहयोग भी काफ़ी अच्छा मिलेंगे, और अच्छे मित्र भी आज आपके काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे, जिनसे आपका मन आज काफ़ी अच्छा खुश भी दिखाई देंगे। जी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले 24 घंटे के अंदर आने के शनिवार के दिन आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, और भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों आप लोग शनिवार के दिन किसी भी गरीब या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी जलाने चाहिए, और शनिवार के दिन सरसों के तेल से मालिश करके नहाना भी चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव भी काफ़ी अच्छा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इन चारों उपाय में से आप किसी भी उपाय को कल करेंगे तो मैं किन के साथ कहता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और आप जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं दोस्तों उन सारी मुसीबतों से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी, और भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर भी बनी रहेगी।